नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर नामदेव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एसिडिटी के बारे में, या जैसे बोलते हैं यहाँ तक जलन होती है इसोफेगस में, इसको एसिडिटी बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आज आपको एसिडिटी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। एसिडिटी आजकल लगभग सभी को हो जाती है, किसी किसी को तो कभी कभी होती है और किसी पेशेंट को हमेशा एसिडिटी रहती है। तो दोस्तों, एसिडिटी क्यों होती है, इसके क्या कारण है और इनको ठीक करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि एसिडिटी क्यों बनती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एसिडिटी कैसे बनती है। जब भी दोस्तों अपन खाना खाते हैं तो खाना अपना स्टोमक में इकट्ठा होता है, और जब ये खाना स्टोमक में इकट्ठा होता है तब स्टोमक की कुछ लेयर होती है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड एसिड का व एंजाइम का सिक्रेट करती है। जो एसिड और एंजाइम होते हैं वो अपने खाना पचाने का काम करते हैं, और जो कीटाणु या कोई जर्म्स अगर खाने के साथ चला जाता है तो उन कीटाणु को खत्म करता है। जब ये एसिड अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, ज्यादा मात्रा में स्त्रावित होता है, तब एसिडिटी बनती है। तब अपने पेट में, स्टोमक में ऐसे जलन महसूस होती है। और जब ये एसिड अगर बैकफ्लो हो जाता है, कुछ एसिड अगर अपना जो इसोफेगस होती है या फूड पाइप बोलते हैं, इस पाइप में अगर बैकफ्लो हो जाता है तो यहाँ पे भी लेके गले से लेके यहाँ तक अपने जलन महसूस होती है, और इसी की दोस्तों एसिडिटी बोलते हैं। अब करते हैं एसिड ज्यादा मात्रा में सिक्रेट क्यों होता है। जब ऑयली या स्पाइसी फूड या मिर्च मसाले वाले अगर भोजन करते हैं तो एसिड ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, और जब एसिड ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होगा तो जलन शुरू हो जाएगी और एसिडिटी का कारण बनती है। और दोस्तों, कई बार एसिडिटी के साथ डकारे भी आती है और गैस भी बन जाती है। अब बात करते हैं एसिडिटी किन किन कारण से बनती है। वैसे तो दोस्तों एसिडिटी के बहुत सारे कारण हैं, पर जो बहुत सारे कारण हैं उसमें से कुछ कारण ऐसे हैं जिससे लगातार एसिडिटी बनती है, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको एसिडिटी को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। एसिडिटी का पहला कारण है दोस्तों तेज मिर्च मसाले वाला भोजन, या स्पाइसी फूड, या गर्म मसाले, या फास्ट फूड का अगर भोजन करते हैं या ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है। इसका मेन कारण यही है दोस्तों। एसिडिटी का दूसरा कारण है दोस्तों ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी का सेवन करना। अगर कोई ज्यादा चाय या कॉफी पीता है तो उसको भी एसिडिटी की शिकायत रहती है। एसिडिटी का तीसरा कारण है दोस्तों अगर ज्यादा मात्रा में अल्कोहल या शराब सेवन करते हैं तो उनको भी एसिडिटी की शिकायत रहती है। जिनको भी मोटापा है दोस्तों तो उनको भी एसिडिटी की शिकायत रहती है। जो लोग दोस्तों नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनको भी एसिडिटी की शिकायत रहती है। एसिडिटी में दोस्तों कई बार जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं उनसे भी एसिडिटी बनती है, या जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं उनके साइड इफेक्ट आने से भी एसिडिटी बनती है। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंसी के दौरान भी एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है। कई बार दोस्तों कुछ बीमारियों में भी एसिडिटी बनती है, जैसे डायबिटीज है तो उनको भी एसिडिटी बनती है, अस्थमा है, सांस की तकलीफ है उनको भी एसिडिटी बनेगी, या हर्निया है तो उनमें भी एसिडिटी बनती है, या पेप्टिक अल्सर है, स्टोमक में अगर कहीं अल्सर हो गया हो तो उनमें भी एसिडिटी बनती है, जलन होती है। कभी कभी प्रॉपर नींद नहीं लेने से, या स्ट्रेस है या तनाव की वजह से भी एसिडिटी बनती है। कई लोगों को दोस्तों खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो उनको भी एसिडिटी की समस्या रहती है। एसिडिटी का दोस्तों एक ये भी कारण है जब ओवर ईटिंग हो जाती है, जब खाना ज्यादा खा लेते हैं तो उस कारण से भी एसिडिटी बनती है। कई लोग दोस्तों जब खाना टेस्टी लगता है तो वो खाना ज्यादा खा लेते हैं, और जब खाना ज्यादा खा लेते हैं तो स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वहां से एंजाइम और एसिड सिक्रेट होता है तो उनको प्रॉपर जगह नहीं मिलती है और वो खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता, तो वो दोस्तों खाना सड़ने लग जाता है और जो एसिड होता है वो बैकफ्लो हो जाता है। कुछ एसिड होता है जो अपने फूड पाइप होती है वहां पे बैकफ्लो हो जाता है, तो यहाँ पे भी पूरी जलन होने लग जाती है और पेट में भी जलन होती है। दोस्तों ओवर ईटिंग करने से भी एसिडिटी की समस्या बनती है। तो दोस्तों अगर एसिडिटी अगर लंबे टाइम तक रहती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो दोस्तों एसिडिटी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसमें दोस्तों या तो बहुत ज्यादा एब्डोमेन में पेन होगा या चेस्ट में पेन होगा, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, और तीसरा कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों एक्सेसिव वॉमिटिंग भी हो सकती है, बहुत ज्यादा उल्टी आ सकती है, और चौथा कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों
कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों एसिडिटी के बढ़ने के जो मैंने कारण बताए, इन कारणों को अगर ध्यान में रखकर अगर आप परहेज करते हो तो आपकी एसिडिटी काफी हद तक ठीक हो सकती है। और फिर भी अगर एसिडिटी बनती है तो मैं आपको एसिडिटी के ठीक करने की कुछ मेडिसिन बताता हूँ, वो मेडिसिन लेने से आपकी एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। होम्योपैथी में दोस्तों पेशेंट को देखकर उनके साइन एंड सिम्टम लेकर उसके बाद उसको जो मेडिसिन निकलती है वो मेडिसिन दी जाती है। फिर भी दोस्तों एसिडिटी में कुछ मेडिसिन होती है जो अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों उसमें पहली मेडिसिन है नक्स ओमिका 30। तो नक्स ओमिका 30 की दोस्तों आप 10-10 बूंद खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी है, दिन में 3 बार यूज करनी है दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 भी दोस्तों आपको 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेनी है दोस्तों। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों सल्फर 30। सल्फर 30 की दोस्तों 5 बूंद आप सुबह सुबह भूखे पेट एक टाइम लेनी है, इसको दोस्तों सुबह सुबह एक बार ही लेनी है, ये भी एसिडिटी में बहुत ही अच्छा काम करती है। चौथी मेडिसिन है दोस्तों चाइना 30। चाइना 30 भी दोस्तों एसिडिटी में बहुत बढ़िया काम करती है। और दोस्तों लास्ट में मेडिसिन है पल्सेटिला 30। अगर दोस्तों एसिडिटी के साथ अगर गैस की भी समस्या है तो आप पल्सेटिला 30 अगर मेडिसिन लेते हो तो आपकी एसिडिटी और गैस की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों गैस के बारे में और कुछ जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को देखकर आप गैस के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों जो भी मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है ये आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक के अनुसार उनकी देखरेख में ही मेडिसिन ले, क्योंकि दवाइयों की पोटेंसी और इनका पावर अलग अलग होता है, तो इसकी अलग अलग पोटेंसी में दी जाती है दोस्तों। दोस्तों आज का टॉपिक अपना एसिडिटी का यही पूरा होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।